कौन भूलेगा वो एक सजदा हुसैन का, कौन भूलेगा वो एक सजदा हुसैन का, खंजर तले भी सर न झुका हुसैन का। मिट गई यजीद की नस्ल करबला की खाक में, मिट गई यजीद की नस्ल करबला की खाक में, कयामत तक रहेगा जमाना हुसैन का। हर आंख नम होती है मुहर्रम में, हर आंख नम होती है मुहर्रम में, आंसू शिया या सुन्नी नहीं होते। इमाम हुसैन से मोहब्बत के लिए शिया सुन्नी नहीं, बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती होना जरूरी है। इमाम हुसैन से मोहब्बत के लिए शिया सुन्नी नहीं, बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती होना जरूरी है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है कि और तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरा गुमान करोगे। ये सब हम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। क्या तुम जानते हो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फौज लगी हुई थी, तब अल्लाह ने क्यों समंदर को दो हिस्सों में बांट दिया? क्या तुम जानते हो कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जाने का हुक्म दिया गया तो उसने क्यों आग को ठंडा कर दिया? क्या तुम जानते हो कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में भी क्यों पाला? क्या तुम जानते हो कि उसने हजरत हाजरा को सहरा के दरमियान में जमजम क्यों दिया? क्यों उसने हजरत यूनुस को मछली के पेट में महफूज रखा? क्यों उसने जिक्रिया को उम्र के आखिरी हिस्से में पहली औलाद से नवाजा? उन सब में बस एक चीज मुशाबा थी, यकीन। सिर्फ और सिर्फ यकीन, सिर्फ इसलिए कि उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यकीन रखा कि खुदा रास्ता निकालेगा, और देखो खुदा ने रास्ता निकाला। वो सब उस पे यकीन रख के आगे बढ़ते रहे, और देखो उस रब ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। और तवक्कल तो यही है कि रास्ता ना हो और तुम कहो अल्लाह रास्ता बनाने वाला है। जब तुम उसका अच्छा गुमान करोगे तो तुम यकीनन सब अच्छा ही पाओगे, और फिर देखो राहें वहां से निकलेंगी जहां तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं जा सकता। अगर कोई आपसे मोहब्बत का दावेदार है और आपको वक्त नहीं दे सकता, बराहे करम ये बात जहन से निकाल लें कि वो आपसे मोहब्बत करता है। जिसको आपसे चाहत होगी वो आपके लिए किसी भी हाल में वक्त निकालेगा, क्योंकि मोहब्बत वो वाहिद चीज है। जब वो किसी को किसी से हो तो फकत वही हर वक्त ख्याल में रहता है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वक्त खुद से निकल आता है। ये सब झूठ है कि मैं मसरूफ हूँ, कोई काम है वगैरह वगैरह। मोहब्बत वक्त की मोहताज नहीं होती, लेकिन हाँ मोहब्बत वक्त की ही मोहताज होती है। कभी अल्लाह से मोहब्बत का इजहार किया है? कभी अल्लाह ताला को बोला है कि या अल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है? कभी अल्लाह ताला को बोला है कि आज मैंने आपको बहुत याद किया? हम लोगों के पीछे तो बहुत भागते हैं ना, लोगों को तो अक्सर ये सब कहते रहते हैं मगर अल्लाह को नहीं कहते। कहते भी हैं तो बहुत कम, कभी कभार और शायद कभी नहीं भी। हम अपने आप में इतना गुम हो जाते हैं कि अल्लाह हमें भूल जाता है, हम अल्लाह को भूल जाते हैं। शायद इसीलिए इकबाल ने कहा कि नमाज भी पढ़ते हैं तो फिर से गुनाह करने के लिए, और अल्लाह ताला इंतज़ार में होता है कि कब हम उसे याद करते हैं, कब हम उसे याद करेंगे, कब उसे वैसे पुकारते हैं जैसे पुकारे जाने का हक है। जब हम अल्लाह को उस हद तक याद करेंगे तो मौन से कैसे नहीं होंगे? ये सब हमारे यकीन और हमारी नियतों पर मुनहसर है।